देर किए हुए मैं डॉक्टर कपूर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो सेशन शुरू करें, क्योंकि इस सेशन के खत्म होते ही इसी चैनल पर 8 बजे एक बहुत इम्पोर्टेंट सेशन होने जा रहा है, जिसमें व्हाट्सएप बीसी सर, केसी सर सब आपके साथ होने वाले हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है, तो वो भी देखना भूलना नहीं है, और इस वाले सेशन को भी हमें पूरा देखना है। तो आइए डॉक्टर कपूर के साथ चलते हैं ओमनी एक्टिव की दुनिया में, ल्यूटीन और जियाजेंथिन की दुनिया में, न्यूट्रीचार्ज व्यू की दुनिया में। ओवर टू यू डॉक्टर कपूर। नमस्कार और आप सबका स्वागत है। जिन लोगों के लिए आज खुशी का दिन है उनके लिए मुबारक, बाकी सबको नमस्ते। चलिए, ये सेशन महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे साथ बहुत पावरफुल ग्लोबल ब्रांड्स जुड़ी हैं और न्यूट्रीचार्ज के माध्यम से वो आपके वश में हैं, तो ये एक आंखों के लिए महत्वपूर्ण सेशन है। जरा देखते हैं और मैं सीधा आपको ओमनी एक्टिव की प्रेजेंटेशन पे लिए चलता हूँ, लेकिन शुरू में मैं कुछ 2-4 स्लाइड दिखा के उसकी थोड़ी भूमिका बताऊंगा ताकि आपको स्लाइड का थोड़ा परिपेक्ष समझ आ जाए कि किस संदर्भ में हम वो स्लाइड दिखा रहे हैं। तो चलिए मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन को और हम ये प्रेजेंटेशन देखते हैं ओमनी एक्टिव का। क्या ये प्रेजेंटेशन सबको दिखाई दे रहा है? सर स्क्रीन दिखाई दे रहा है, पीपीटी अभी शायद खुला नहीं है। पीपीटी खुला? पीपीटी खुल गया मैम मेरे, आया? इज इट विजिबल? खुला हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। वन सेकंड, आई विल ट्राई वन सेकंड। हो सकता है किसी और विंडो में खुला हो तो जी, शायद जी थोड़ा वो विंडो बदल लेता हूँ जी। क्या मैम अब दिखाई दे रहा है? नहीं सर, अभी आपने शेयर नहीं किया स्क्रीन। ठीक है, मैं शेयर। इज इट विजिबल नाउ? यू क्लिक्ड इट, इट प्रोबेबली ओपन्ड इट सम अदर विंडो व्हिच इज नॉट विजिबल, सो वी कैन जस्ट सी दैट विंडो जिसमें बहुत सारे और पीपीटीज भी हैं। ओके, वन स्ट्राइक। अभी आप स्क्रीन शेयर करेंगे सर तब समझिए। नाउ? नहीं सर, द स्क्रीन इज नॉट गेटिंग शेयर। वेल, जब आप स्क्रीन शेयर पे क्लिक करते हैं ना सर, आपको बहुत सारी विंडोज दिखाता है, उसमें शायद पीपीटी का खुला हुआ विंडो दिखाई देगा, तो आप उसको सिलेक्ट करके अगर शेयर कर लेंगे तो डायरेक्टली उसी विंडो पे चला जाएगा। अभी यस सर, नाउ वी कैन। बस इसको प्रेजेंटेशन कोई समय बिताए आगे बढ़ते हैं। ये लिटरमैक्स 2020 का प्रेजेंटेशन है, आइए जानते हैं कि ये ब्रांड हमारे लिए और न्यूट्रीचार्ज के लिए कैसे महत्वपूर्ण है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पे सबका ध्यान खींचूंगा। आज भारत में 36 करोड़ स्मार्टफोन यूजर हैं, ये आज की डेट में ऑलरेडी हैं, और एक दो वर्ष बीतते बीतते 2020 तक ऐसा अनुमान है कि 50 करोड़ स्मार्टफोन यूजर भारत में होंगे, यानी कि एक बहुत बड़ा टारगेट ऑडियंस आपकी इंतजार कर रहा है, जिसके लिए ये प्रोडक्ट जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं उनके लिए रेलेवेंट है। ये बात जो हमने आपको बताई, 50 करोड़ मतलब 50 के आगे आप 70 और लगाएंगे तो ये आंकड़ा आपके पास पूरा आएगा। ये इतनी बड़ी संख्या है कि शायद ही किसी और प्रोडक्ट का इतना पोटेंशियल हो जितना न्यूट्रीचार्ज व्यू का है, इसलिए हम बहुत जबरदस्त एक्साइटेड हैं, और मैं समझता हूँ जो इस मामले को गंभीरता से लेंगे उनको बहुत ज्यादा सफलता और बहुत ज्यादा स्वास्थ्य मिलने वाला है। इन 50 करोड़ लोगों के साथ जो आज अभी 36 करोड़ है और तेजी से बढ़ रहे हैं, एक चीज कॉमन है, ये सभी स्मार्टफोन के, मोबाइल फोन के अत्यधिक प्रयोग करने वाले लोग हैं और ये स्मार्टफोन यूजर हैं। देखिए, मोबाइल फोन का यूजर्स का आंकड़ा तो बहुत ज्यादा है भारत में, शायद 50 करोड़ से अधिक ऑलरेडी होंगे, लेकिन ये सब जो 36 करोड़ लोग हैं, ये इनमें से ज्यादातर लोग अब स्मार्टफोन यूजर हो गए हैं। स्मार्टफोन यानी कि डिजिटल स्क्रीन, और डिजिटल स्क्रीन से आपको यहाँ पे थोड़ा रंग से हिंट मिल रहा होगा, यानी कि नीली किरणें जो हमारी आंखों में घुस रही हैं। और देखिए क्या है कि आज इतना ज्यादा हमारे लाइफ में स्मार्टफोन का महत्व हो गया है कि बिना उसके शायद हम कुछ भी कर नहीं पाते। अगर हम घर से चलें और 1 मिनट के लिए हम अपना वॉलेट भूल जाएं,
या कोई और सामान भूल जाए तो हम वापस नहीं जाएंगे, लेकिन अगर हम मोबाइल फोन भूल जाए तो वहीं से उल्टे कदम लौट जाते हैं, क्योंकि उसके बिना हमारा कोई भी संपर्क या कोई भी कार्य पूरा नहीं होता है। हम पेमेंट भी मोबाइल फोन से दे रहे हैं, हम एंटरटेनमेंट भी मोबाइल फोन से दे रहे हैं, हम न्यूज भी मोबाइल फोन से देख रहे हैं, लेकिन इन सब के साथ हमारी आंखों को जो डोज मिल रहा है वो इन आंखों में आपको दिख रहा है, वो नीले रंग की लाइट है, ब्लू किरणें हैं जो हमारी आंखों में जा रही है। इसका क्या महत्व है मैं थोड़े से समय में आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे एक चित्र आपको दिख रहा है, ये रफ डायग्राम है, इट इज नॉट ए वेरी हाई क्वालिटी डायग्राम, लेकिन आपको बहुत सरलता से समझने में मदद करता है। देखिए इसमें आपको दिख रहा है कि जब आंखों में हमारे कोई भी रोशनी गिरती है तो बहुत ज्यादा उसके अंदर से जो किरणें होती हैं उसको हमारे आंखों का कॉर्निया यानी जो आगे की जो सतहें होती हैं बाहर की वो उसको चित्रा देता है, उसको आंखों के अंदर जाने नहीं देता है, और जो थोड़ी बहुत लाइट अंदर रेटिना यानी आंख के पर्दे तक पहुंचती है, ये पीछे जहां आपको ये ब्लड वेसल्स बनी हुई दिख रही हैं, मैं इसको दिखाने की चेष्टा कर रहा हूं, ये हमारे आंखों का रेटिना है। इसके ऊपर जब ये प्रकाश गिरता है तो यहां से जो तरंगे निकलती है उससे हमारे मस्तिष्क में एक छवि बनती है, जैसे कि आप जो ये देख पा रहे हैं, ये इसलिए देख पा रहे हैं कि आपकी डिजिटल स्क्रीन से निकलती हुई किरणें आपकी आंखों के कॉर्निया से पास होती हुई आंखों के पर्दे यानी रेटिना पे गिर रही है और वहां एक छवि बन रही है जो आपका ब्रेन देख पा रहा है। लेकिन समस्या क्या है कि इस किरणों के साथ साथ एक बड़ी क्षति पहुंचाने वाली हानिकारक ब्लू लाइट हमारी आंखों में जा रही है। इस ब्लू लाइट की थोड़ी सी मैं आपको बैकग्राउंड स्टोरी बता दूं कि बाकी किरणों को हमारा कॉर्निया चित्रा इसलिए पाता है कि उनमें थोड़ी ऊर्जा इतनी ज्यादा नहीं होती, उनकी वेवलेंथ अलग होती, लेकिन ये जो ब्लू किरणें हैं इनकी वेवलेंथ जो है वो बहुत कम होती है और ये सीधी हमारी आंखों में पहुंच जाती और आंखों के पर्दे पे पहुंच जाती। ये जो पीछे का पोर्शन दिख रहा है जहां पे सीधी ये ब्लू लाइट गिर रही है, यहाँ पे जो रेटिना का जो भाग है ये बड़ा महत्वपूर्ण भाग है। एक शब्द आज के सेशन में आपको याद करना है वो है रेटिना, और दूसरा शब्द जो आपको आज के प्रोग्राम में याद करना है वो है मैक्यूला। रेटिना यानी आंखों का पर्दा। रेटिना सुरक्षित तभी तक आपकी दृष्टि सुरक्षित, और रेटिना का सबसे महत्वपूर्ण भाग वो है मैक्यूला यानी रेटिना का वो छोटा सा भाग जहां आपको एकदम स्पष्ट दिखाई देता है। जिन लोगों की आंखें कमजोर हैं कभी उनको समस्या होती है कि भाई 5 लिखा है कि 8 लिखा है, 3 लिखा है कि 4 लिखा है, ये यही भाग जो होता है मैक्यूला रेटिना का जो हिस्सा होता है यही हमारे को स्पष्ट देखने में मदद करता है, लेकिन दुर्भाग्यवश ये हानिकारक ब्लू लाइट सीधी इसी मैक्यूला पे गिरती है। एक और डायग्राम देखिए जहां से आपको समझ में आ पाए। देखिए जो प्रकाश की किरणें हमारी आंखों में गिरती है, मैं एक क्षण के लिए इसको रोकता हूं, जो प्रकाश की किरणें हमारी आंखों में गिरती हैं वो 7 रंगों की होती है, उन 7 रंगों में से एक रंग केवल यानी कि ब्लू लाइट उसको हमारा कॉर्निया या आंखों की आगे की परत रोक नहीं पाती है और वो आंखों में जा रहा है। ये एक सिंपल डायग्राम से मैं आपको दिखा पा रहा हूं, ये आप दोबारा से देखिए इसको, शेयर हो गया मैम, आप देख पा रहे हैं ये स्क्रीन? शेयर नहीं हुआ सर स्क्रीन। एक जी स्टिल कांट सी द स्क्रीन। यस अभी आया मैम? नहीं सर। अच्छा अभी? या अभी आया सर। हाँ ये देखिए साहब, मैं थोड़ा सा एक दो स्लाइड पीछे चलता हूँ। यस अब हमने जैसे अभी डिस्कस किया कि आंखों पे पड़ने वाली विभिन्न रंगों की जो किरणें हैं वो हमारा कॉर्निया उनको वापस लौटा दे रहा है, उसमें से उतनी ही लाइट लेता है जितनी हमारे आंखों के पर्दे पे हमारे एक इमेज बन पाए। लेकिन आप अगर ये देख पा रहे हैं क्योंकि ये शॉर्ट वेवलेंथ है, ये जो ऊंचा नीचा जो दिख रहा है आपको इसमें ये वेवलेंथ होता है, मतलब लाइट की किरण की लेंथ है। अगर आपने बाकी रंगों को देखा होगा उनकी वेवलेंथ बहुत बड़ी बड़ी है, ये बड़ी छोटी वेवलेंथ की लाइट किरणें हैं नीले रंग की, और इनके अंदर ऊर्जा बहुत ज्यादा है यानी ये बहुत एक तरह से एक्साइटेड किरणें हैं। लेकिन क्या होता है कि ये किरणें जब सीधी आंख के पर्दे तक पहुंच जाती हैं तो ये अपने साथ बहुत सारी ऊर्जा बहुत सारी एनर्जी रेटिना को ट्रांसफर करती हैं, और ये मैक्यूला का जो पोर्शन है कुछ सीमा तक तो इस ब्लू लाइट को सह पाता है, लेकिन उसके बाद अगर देखिए जैसे सूर्य की किरण भी अगर आपको कोई लेंस लेके अगर आपके हाथ पे केंद्रित कर देगा तो आपकी त्वचा जल जाएगी, इसी प्रकार ये ब्लू लाइट जो है अगर ये रेटिना पे ज्यादा देर तक केंद्रित रही
तो रेटिना का ये भाग क्षतिग्रस्त होने लगता है जिसको हम कहते हैं मैक्यूला। देखिए दो ही शब्द मैंने आज आपको अभी तक इस सेशन में सीखने को और याद रखने को बोले, आप जरूर नोट कर लें। पहला है रेटिना जो हमारा आंखों का पर्दा है, और दूसरा है मैक्यूला, ये छोटा सा भाग रेटिना का पर्दे का वो छोटा सा भाग जहां हमारे आंखों में सबसे स्पष्ट छवि बनती है, किसी भी चीज को हम देखते हैं उसकी इमेज बनती है। जो आप ये देख पा रहे हैं स्लाइड, ये आपके मैक्यूला पे इसकी छवि बन रही है, इसीलिए ये आपके ब्रेन तक जा रही है, इसीलिए आप इसको स्पष्टता देख पा रहे हैं। अगर आप ये स्लाइड साफ देख पा रहे हैं इसका मतलब यह है कि अभी आपका रेटिना पूरी तरह क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है, अभी आपके मैक्यूला के अंदर ये क्षमता है कि वो लाइट को एब्जॉर्ब करके और इससे एक छवि बनाए। लेकिन चूंकि आप डिजिटल स्क्रीन से ये सेशन देख रहे हैं, इसलिए दुर्भाग्यवश ये सेशन की जानकारी के साथ साथ ब्लू लाइट की किरणें भी आपकी आंखों के अंदर जा रही हैं, जो आपके रेटिना के ऊपर गिर रही हैं, मैक्यूला के ऊपर गिर रही हैं, और ज्यादा देर तक उनको लगातार देखने से क्षति करेंगे। इससे कैसे बचे, यही आज का सेशन है, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर आप इसको समझ गए तो देखिए साहब, दुनिया को देखेंगे, दुनिया रंगीन तभी तक है जब तक आपको दिखाई देती है। जिनकी आंखें नहीं होती उनके लिए दुनिया का कोई रंग नहीं है, कोई एक बेरंग है। तो आपके लिए दुनिया रंगीन है क्योंकि आपका मैक्यूला सुरक्षित है, रेटिना सुरक्षित है, और अभी तक इन नीली किरणों ने उसको ज्यादा क्षति नहीं पहुंचाई है। लेकिन जितना समय हम मोबाइल को और अन्य डिवाइसेस को दे रहे हैं, वो हम आज ओमनी एक्टिव की प्रेजेंटेशन में देखेंगे, उसके बाद ये समस्याएं आपको बहुत जल्दी होने वाली हैं, जो मेरे साथ तो हो ही नहीं है। मैं आज 50 वर्ष क्रॉस कर चुका हूं, तो उम्र के साथ दृष्टि घटने लगती है, ये सबके साथ सामान्यतः होता है। लेकिन मोबाइल फोन्स, खासकर मोबाइल फोन्स के बढ़ते उपयोग के साथ ये कम उम्र में ही होने लगा है। आप कम उम्र में देख रहे हैं कि आंखों में चश्मा लगने लगा है, जो लोगों को पहले 50 वर्ष में लगता था, फिर 40 वर्ष में लगता था, फिर 30 वर्ष में लगता था, फिर आज आप देखेंगे 20 वर्ष में लगने लगा, और शायद स्कूलों में जाएंगे तो आपको स्कूल के बच्चों को भी चश्मा लगा हुआ दिखेगा, धुंधली दृष्टि दिखेगी, आंखों में लालिमा दिखेंगी और थकी हुई आंखें दिखेंगी। ये है इस हानिकारक ब्लू लाइट के दुष्प्रभाव। इस परिपेक्ष में हमको ओमनी एक्टिव का ये प्रेजेंटेशन देखना है। चलिए मैं आपको ओमनी एक्टिव के इस प्रेजेंटेशन पे लिए चलता हूं। एक क्षण लूंगा, ओमनी एक्टिव क्यों महत्वपूर्ण है इसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा, और ओमनी एक्टिव के बारे में हम इतनी जानकारी क्यों ले रहे हैं इसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा, ओमनी एक्टिव की महत्व बताऊंगा। एक क्षण लेता हूं जी। देखिए, जो न्यूट्रीचार्ज व्यू है, न्यूट्रीचार्ज व्यू में ऐसे दो पोषक तत्व हैं, या यूं कहें कि ऐसे दो शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट हैं जो हमारे शरीर में फ्री रेडिकल से लड़ते हैं। अब इसमें क्या विशिष्ट बात हुई, सभी एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल से लड़ते हैं, फिर ल्यूटीन और जियाजेंथिन में ऐसी क्या खास बात है जिसके लिए हम इतना ध्यान दे रहे हैं और ये विशेष सेशन कर रहे हैं। हमने विश्व की एक सबसे बड़ी ल्यूटीन जियाजेंथिन बनाने वाली कंपनी से अनुबंध किया है। उसका कारण यह है कि हमारे शरीर में आंखें एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, और आंखों के बाहर हमारे शरीर ने एक नो एंट्री का बोर्ड लगा रखा है, यानी कि शरीर में हर तत्व को आंखों में एंट्री नहीं मिलती। आप बहुत से एंटीऑक्सीडेंट खा सकते हैं लेकिन आंखों में उनको ज्यादातर को एंट्री नहीं मिलेगी, आंखों में उनकी उपलब्धता नहीं हो पाएगी, और आंखों के लिए विशिष्ट एंटीऑक्सीडेंट को हम कहते हैं कैरोटीनॉइड्स। और कैरोटीनॉइड्स एंटीऑक्सीडेंट, यानी लाल और नारंगी और पीले रंग के एंटीऑक्सीडेंट, जो पीले रंग के आप फल देखते हैं, नारंगी रंग के फल देखते हैं या सब्जियां देखते हैं, उनमें भी होते हैं, गेंदे के फूलों में भी होते हैं, इसीलिए उनका पीला ऑरेंज कलर होता है। और ये कैरोटीनॉइड एंटीऑक्सीडेंट्स में भी केवल कई प्रकार के होते हैं, बहुत होते हैं, बीटा कैरोटीन भी एक कैरोटीनॉइड एंटीऑक्सीडेंट है, लेकिन इस पूरी जमात में से केवल दो सदस्यों को आंखों में प्रवेश करने की इजाजत है, वो है ल्यूटीन और जियाजेंथिन। अगर आपने ये बात पकड़ ली तो आपको समझ में आएगा कि आप ये प्रेजेंटेशन क्यों देख रहे हैं और हम ये बातें आपको क्यों बताना चाह रहे हैं। चलिए मैं फिर से स्क्रीन शेयर करता हूं और मैं वो प्रेजेंटेशन पे फिर लिए चलता हूं, ओमनी एक्टिव की प्रेजेंटेशन पे, और अब आप इसको देखिए, आप जानिए ओमनी एक्टिव के बारे में। इज इट विजिबल, इज द प्रेजेंटेशन विजिबल? सर ओनली the slides are not visible sir, it's again the same screen जो शुरुआत में थी। What is happening? कुछ आज issue है। ओमनी एक्टिव I am clicking, why it is not visible? आपका तो presentation खुला हुआ होगा ना सर?
यस मैम मेरा प्रेजेंटेशन खुला है, मैं उस पर क्लिक करूँ। हाँ प्रेजेंटेशन आप जब स्क्रीन शेयर कर रहे हैं सर तो वो स्क्रीन पर आपको बहुत सारी स्क्रीन दिख रही होंगी, तो वो जो प्रेजेंटेशन वाला स्क्रीन कर देता हूँ जी, छोटी कर देता हूँ और मैं आपको केवल इसी में ले जाता हूँ। ये देखिए अब ये दिख रहा है क्या सर, ये मिनिमाइज नहीं हुआ? हाँ नहीं मैं मैक्सिमाइज कर दे रहा हूँ इसको, अभी हो गया? नहीं सर नहीं, वन सेकंड। मैडम मेरी स्क्रीन पे मैक्सिमाइज हो रहा है, आपके स्क्रीन पे नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है सर इस वक्त। वन सेकंड। So can I just show you what I'm trying to tell yes, you? Yes, अभी विजिबल है क्या मैम? नहीं सर अभी भी वो स्क्रीन नहीं दिख रही है, आप दिखाई दे रहे हैं। ओके वन सेकंड, मैं रीशेयरिंग करता हूँ। अब मेरे ख्याल से आई शेयर स्क्रीन तो मेरे ख्याल से विजिबल हो जाएगा। आप देख रहा क्या मैम? नॉट येट सर। नहीं दिख रहा? नहीं ये अभी अभी दिखा सर। चलिए अब फटाफट इस प्रेजेंटेशन को देखते हैं समय खराब किए बिना। ये सारे कॉन्टेक्स्ट में हमने बात करी कि 50 करोड़ लोग जो हैं इस समय अपने स्मार्टफोन के अलावा बहुत सारे डिजिटल डिवाइस का यूज कर रहे हैं और उनकी आंखों में ये लाइट प्रवेश कर रही है जिससे ये समस्या हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये सब समस्याएं आज इतनी आम हैं कि अभी मैं पीछे साउथ इंडिया गया था जहां नेत्र विशेषज्ञों की पूरे भारत की और विश्व प्रसिद्ध नेत्र विशेषज्ञों से मेरी मुलाकात हुई और मैंने उनसे जब पूछा तो उनका एक ही बात कहना था कि आज तो छोटे छोटे मतलब युवाओं को स्कूल के बच्चों तक को समस्या है कि वो धुंधली दृष्टि से परेशान है और बहुत ज्यादा स्क्रीन एक्सपोजर है, यानी कि वो किसी ना किसी स्क्रीन पे रहते हैं, या तो लैपटॉप की स्क्रीन पे या मोबाइल की स्क्रीन पे या किसी भी अन्य स्क्रीन पे, और उसका ये नतीजा है। तो अब हम ओमनी एक्टिव की ये स्लाइड देखते हैं। लीडिंग ब्रांड है यूएसए की, ग्लोबली रिनाउंड कंपनी है ओमनी एक्टिव, यानी कि विश्व में सबसे विख्यात कंपनी है ओमनी एक्टिव जो ये ल्यूटामैक्स बनाती है, जो ये ल्यूटीन और जियाजेंथिन का सर्वश्रेष्ठ निर्माता है। आप देश देख सकते हैं, कनाडा, यूएसए, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सब जगह पे ये विश्व प्रसिद्ध ब्रांड है ओमनी एक्टिव और ये बनाती है और ये विश्व में प्रसिद्ध है अपनी क्वालिटी के लिए। जी हाँ, ये अपनी क्वालिटी के लिए विश्व में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है अल्टीमेटली, ये बात हमको अभी दोबारा से हम क्लियर करेंगे। आगे आगे जैसे जैसे हम इस प्रोसेस को देखते जाएंगे वैसे वैसे हम ये बात क्लियर करते जाएंगे। एक क्षण लूंगा मैं सही प्रेजेंटेशन। जी हाँ, आई होप द प्रेजेंटेशन इज विजिबल। नो सर, देयर इज सम इशू मैम, आज टेक्निकल इशू हो रहा है। प्रेजेंटेशन मेरे स्क्रीन पे खुला है और यहाँ नहीं आ रहा है। सो व्हाट टू डू? कैन वी इन द मीनवाइल आस्क मिस्टर मनीष जी, मुझे मेल कर सकते हैं क्या? आई विल शेयर इट टू हियर। ओके मनीष जी प्लीज मेल, मैं चेष्टा कर रहा हूँ वापस, ये कुछ टेक्निकल ग्लिच है। मेरे सामने तो प्रेजेंटेशन खुला है एंड आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। वन सेक, लेट मी शेयर। इज द प्रेजेंटेशन विजिबल नाउ? नहीं सर, अभी तक भी नहीं आया शेयरिंग। यस मैम, नाउ? नॉट येट सर। मेरे सामने प्रेजेंटेशन आ रहा है, आप लोगों को नहीं दिख रहा है? आपके चश्मे में तो दिख पा रहा है मगर आई डोंट नो, सम टेक्निकल ग्लिच। नाउ मैम? नहीं सर, अभी भी दिखाई नहीं दे रहा है। One second. Sharing हो गया? नहीं, still not sharing. मतलब वो screen. Yes sir, now sharing. Now yes, sharing. Sir, हाँ, please click on the screen जिस पे आपका cursor है. जी, आप click करें. जी जी. Okay, technical glitch is over. Now let us quickly rush. ये सब बातें हमने कर ली. Yes. Globally renowned brand है. Quality के लिए विश्व प्रसिद्ध है. मैडम आपको presentation mail कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा प्रेजेंटेशन, हाँ हिंदी वाला प्रेजेंटेशन, यही वाला प्रेजेंटेशन जो आप दिखा रहे हैं मेल करेंगे तो मैं इमीडिएटली आई स्टार्ट रनिंग इट फ्रॉम हियर। जी 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 मनीष जी, जरा प्रेजेंटेशन मेल कर दीजिए मैम को। जी तो तब तक हम बात करते हैं आगे। ये देखिए साहब, ल्यूटामैक्स 2020 का सर्वश्रेष्ठ पॉइंट ये है कि ये क्लिनिकली रिसर्च्ड है।
क्लिनिकली रिसर्च का मतलब यह है कि केवल हमने कोई एक न्यूट्रिएंट बना नहीं दिया और केवल आप तक ले नहीं आए, यूडामैक्स 2020 को लोगों पर टेस्ट किया गया, जानवरों पर टेस्ट नहीं किया जाता है, ओमनी एक्टिव विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनी में से एक है और ये जानवरों पर टेस्टिंग नहीं करती है। यानी कि ल्यूटामैक्स 2020 का जानवरों पर टेस्टिंग ना करने का जो वायदा है वो यहाँ भी है, लेकिन ये इंग्रेडिएंट क्लिनिकली टेस्ट करने के कारण ये सिद्ध हो चुके हैं कि ये हमारे मीन्स मानव पे, ह्यूमन बीइंग्स पे क्लिनिकली इफेक्टिव है। और क्या करते हैं, आप यहाँ पे अंग्रेजी में लिख पढ़ पा रहे होंगे, मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ कि ये सिद्ध हो चुका है कि ल्यूटामैक्स की केवल वो एक वही ब्रांड है जो हमारी आई प्रोटेक्शन कर रही है हार्मफुल हाई एनर्जी ब्लू लाइट से, हमारी आंखों की थकान को रोक रही है, बावजूद इसके कि हम बहुत ज्यादा डिजिटल डिवाइस का उपयोग कर रहे हैं। यानी कि डिजिटल डिवाइस के रिपीटेड उपयोग के बावजूद ल्यूटामैक्स जो लोग लेते हैं उनकी आंखें नहीं थकती हैं, उनकी आंखों का प्रोटेक्शन होता है। ल्यूटामैक्स को ग्लोबल पेटेंट मिला हुआ है। देखिए, आपने पहले भी देखा कि न्यूट्रीचार्ज विश्व प्रसिद्ध पेटेंटेड टेक्नोलॉजीज को भारत में लाता है, ल्यूटामैक्स भी वैसा ही टेक्नोलॉजी लेके आया है, पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर एक इनोवेटिव, बिल्कुल एक आविष्कारिक इंग्रेडिएंट है ल्यूटीन और जियाजेंथिन। क्या खास बात है मैं आपको आगे बताता हूं। सबसे सर्वश्रेष्ठ बात यह है कि ल्यूटामैक्स का ब्रांड बायोअवेलेबिलिटी, एक शब्द से आप घबराएं नहीं, बायोअवेलेबिलिटी का मतलब है मैंने खा तो लिया, क्या ये इंग्रेडिएंट मेरे शरीर में उपलब्ध है, क्या ये मेरी आंखों के लिए उपलब्ध है, या सिर्फ मैंने इसको खा लिया और मैं खा के खुश हो रहा हूं कि ल्यूटामैक्स मैंने खा लिया और मेरी आंखों में इसका असर होगा। ल्यूटामैक्स ने क्लिनिकल स्टडीज के दौरान यह सिद्ध किया है कि ये ब्रांड बायोअवेलेबल रहता है, यानी इसको जो खाए उसके शरीर में ये अंदर पहुंचता है, रक्त में पहुंचता है, रक्त से आंखों में पहुंचता है और आंखों से आंखों के पर्दे यानी रेटिना में पहुंचता है, और खासकर रेटिना का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो होता है मैक्यूला, उसके अंदर बायोअवेलेबिलिटी इसकी सिद्ध कर दी गई। यानी कि अगर आप न्यूट्रीचार्ज व्यू खा रहे हैं तो आपको गारंटी है कि आपकी आंखों में ल्यूटामैक्स पहुंच रहा है, आपकी आंखों में ल्यूटीन और जियाजेंथिन पहुंच रहे हैं और ये रेटिना में एकत्रित हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए ल्यूटामैक्स 2020 5:1, ये 2020 नाम कहां से आया, 20 मिलीग्राम इसमें ल्यूटीन है और 20 ही मिलीग्राम इसमें जियाजेंथिन। क्या होता है, ल्यूटीन एक बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है लेकिन उससे कई ज्यादा पावरफुल है जियाजेंथिन, जियाजेंथिन से भी थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल होता है जियाजेंथिन का एक और प्रारूप मीजोजियाजेंथिन। यानी नंबर 1 होगा मीजोजियाजेंथिन, नंबर 2 होगा जियाजेंथिन, नंबर 3 होगा ल्यूटीन, और केवल इसी जोड़ी को, ल्यूटीन और जियाजेंथिन और जियाजेंथिन की दोनों प्रकार को आंखों में प्रवेश की इजाजत है, यही आपकी आंखों में जाकर के आंखों की रक्षा कर सकते हैं, इसीलिए ल्यूटामैक्स लिया गया। और ये 5:1 का क्या महत्व है, जो हमारा भोजन है, जो हमारा शरीर है, जो हमारी आंखें हैं, इन तीनों में ल्यूटीन और जियाजेंथिन जिस अनुपात में पाए जाते हैं वो 5:1 का ही रेशियो है। यानी कि 5 गुना ल्यूटीन ज्यादा होना चाहिए जियाजेंथिन से, और वही रेशियो ल्यूटामैक्स 2020 में है। यानी कि जब आप न्यूट्रीचार्ज व्यू का कैप्सूल देखते हैं तो आप देखते हैं उसमें 20 mg ल्यूटीन है और वही कैप्सूल आपको 4 mg जियाजेंथिन प्रोवाइड कर रहा है, और वो रेशियो 5:1 का मेंटेन्ड हो जाता है और आपकी आंखों में ल्यूटामैक्स के मतलब न्यूट्रीचार्ज व्यू खाने की वजह से ल्यूटीन और जियाजेंथिन दोनों पहुंच जाते हैं और उसी अनुपात में पहुंचते हैं जिस अनुपात में आपकी आंखों को इनकी जरूरत है। आगे बढ़ते हैं, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात जो बार बार आपके सामने आती है, सर कैन आई शेयरिंग करता हूं और आप उसको वहां नहीं, नहीं, आप शेयर कर, आप शेयर ही रखिए सर, फिर वो दिक्कत आएगी अपने। जी जी, मैं ये प्रेजेंटेशन हटा लेता हूँ जी। तो हमने जब वो मीसोजियाजेंथिन के बारे में भी आपने बात की जी, तो मीसोजियाजेंथिन भी न्यूट्रीचार्ज व्यू में डला हुआ है। द ओनली थिंग इज हमने उसको क्वांटिफाई करके पैक पर लिखा नहीं था, अभी जब क्वांटिफाई करवाया इट कम्स टू अराउंड 1 mg ऑफ मीसोजियाजेंथिन इन द कैप्सूल। सो आई जस्ट एक बार अगर आप ये बात फिर से बोल देंगे तो शायद। जी जी, जी मैं दोहराता हूँ। देखिए क्या होता है, हमारी आंखों में जब जियाजेंथिन पहुंचता है तो
तो सामान्यता हमारी आंखें उसमें से कुछ जियाजेंथिन को मेसो जियाजेंथिन में परिवर्तित करती हैं, जिससे वो हमारी आंखों को ज्यादा फायदा पहुंचे। मेसो जियाजेंथिन भी जियाजेंथिन का ही एक प्रारूप है, अभिन्न प्रारूप है। लेकिन ल्यूटामैक्स ने क्या किया है, उसने हमारा शरीर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा इस पर निर्भरता तोड़ दी, उसने उसके अंदर ही मेसो जियाजेंथिन भी प्रोवाइड कराया है। तो आपके प्रोडक्ट में न्यूट्रीचार्ज व्यू में 20 mg ल्यूटीन भी है, न्यूट्रीचार्ज व्यू में 4 mg जियाजेंथिन भी है, और उसके अंदर आवश्यक मात्रा में मेसो जियाजेंथिन भी है। यानी अगर मैं एक न्यूट्रीचार्ज व्यू का कैप्सूल खा रहा हूं तो मेरे शरीर को ल्यूटीन मिल रहा है, मेरी आंखों में ल्यूटीन, जियाजेंथिन, मेसो जियाजेंथिन तीनों पहुंच रहे हैं। तो कैन आई मूव अहेड मैडम? यस सर, यस। ओके, और ये जैसा कि हमने बताया ये पेटेंटेड है, बायोअवेलेबिलिटी सिद्ध है, उसी रेशियो में है जिस रेशियो में ये हमारे शरीर में होता है। दूसरी बात, ये बहुत बड़ी चिंता होती है कि जो मैं खा रहा हूं क्या वो मेरे शरीर के लिए सेफ है। तो ल्यूटामैक्स की सेफ्टी यूएस एफडीए ने भी एक्नॉलेज किया है। यूएस एफडीए जो सेफ होती हैं चीजें व्यक्ति के, किसी भी व्यक्ति के खाने के लिए, उनको एक सर्टिफिकेट देता है जीआरएएस, यानी कि जनरली रिकग्नाइज्ड एज सेफ, यानी जिसको एफडीए जो कहता है कि भैया ये एकदम सेफ है, इसके लिए मेरे को परेशान मत करो, आप इसको खा सकते हो, इसके लिए कोई नए सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं, मैंने सर्टिफिकेट इशू कर दिया है। और यूएस एफडीए विश्व का सबसे ज्यादा सख्त रेगुलेटर है, अगर उसने बोल दिया कि न्यूट्रीचार्ज व्यू यानी ल्यूटामैक्स एकदम सेफ है तो न्यूट्रीचार्ज व्यू सेफ है, आप इसको रोज खा सकते हैं, इससे कोई हानि आपको होने वाली नहीं। अगली बात क्या है कि अब हम जाने मैक्युलर कैरोटीनॉइड्स के बारे में जो ल्यूटामैक्स हमें बता रहा है। मैक्युलर कैरोटीनॉइड्स, हमने अभी अभी तीन चार शब्द सीखे। पहला शब्द हमने सीखा रेटिना यानी आंख का पर्दा, दूसरा शब्द हमने सीखा रेटिना के ऊपर जो छोटा सा भाग मैक्युला है वो, और तीसरा शब्द हमने सीखा कैरोटीनॉइड एंटीऑक्सीडेंट यानी ल्यूटीन और जियाजेंथिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट। हम इनको मैक्युलर कैरोटीनॉइड्स क्यों कहते हैं ये ओमनी एक्टिव ने हमें समझाया है। ये देखिए, मैं आपको इस चित्र के माध्यम से समझाने की चेष्टा कर रहा हूं। देखिए ये जो गोले बने हुए हैं इसको आप रेटिना यानी आपकी आंख के पर्दे का ये छोटा सा वो भाग है जिसको हम मैक्युला कह रहे हैं, यानी रेटिना आपके आंख के पर्दे का वो केंद्रक भाग है जहां पे आपको सबसे ज्यादा स्पष्ट दिखाई देता है, वो ये मैक्युला है। और ये बहुत छोटा सा मैक्युला कितना मोटा होगा, कितना इसमें जान होगी, ये आपके इस आहार पे, आपकी आदतों पे, आपके मोबाइल फोन के उपयोग पे निर्भर करेगा, और क्या आप ल्यूटीन या जियाजेंथिन का सेवन कर रहे हैं पर्याप्त मात्रा में इस पर निर्भर करेगा। अगर आप बहुत अच्छी मात्रा में ल्यूटीन जियाजेंथिन सेवन कर रहे हैं तो आपका रेटिना का मैक्युला मोटा तगड़ा यानी ताजा होगा, और वो आने वाली ब्लू लाइट की हानिकारक किरणों को बड़ी आसानी से वैसे ही पी जाएगा जैसे कोई तगड़ा आदमी छोटे मोटे झटके को सह जाता है। अगर आपने ल्यूटीन जियाजेंथिन और मेसो जियाजेंथिन का पर्याप्त मात्रा में सेवन नहीं किया है तो रेटिना का मैक्युला वाला भाग बहुत पतला दुबला होगा, रेटिना स्वयं भी पतला दुबला होगा, और ये ब्लू लाइट को सहन नहीं कर पाएगा, आपकी आंखों को क्षति हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे भी आप ये देखिए कि ल्यूटीन जियाजेंथिन और मेसो जियाजेंथिन ये हमारे मैक्युला के अंदर अलग अलग जगहों पे इकट्ठे होते हैं। मैक्युला के सबसे बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन है मैक्युला का वो है वहां पे मेसो जियाजेंथिन इकट्ठा होता है, थोड़ा सा उसके बाहर जियाजेंथिन इकट्ठा होता है, और थोड़ा और सबसे बाहर ल्यूटीन इकट्ठा होता है। यानी तीनों की हमें जरूरत है। आप केवल ये नहीं कह सकते कि साहब मैं रंग बिरंगे फल खा लूंगा ल्यूटीन मिल जाएगा मेरा काम हो जाएगा। आपको ल्यूटीन भी चाहिए, आपको जियाजेंथिन भी चाहिए, आपको मेसो जियाजेंथिन भी चाहिए, ताकि मैक्युला एकदम सुरक्षित रहे, और आपको ऐसा ना हो कि आप फोटो तो देखें किसी और हीरोइन की और दिखाई आपको कोई और दे, आपको एकदम स्पष्ट दिखाई दे, आप बारीक से बारीक अक्षर पढ़ पाए, इसके लिए ये तीनों का पर्याप्त मात्रा में आपके मैक्युला में एकत्र होना आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए साहब, अब ल्यूटीन और जियाजेंथिन का आंखों के लिए तो बहुत महत्व है, लेकिन हमारे को ओमनी एक्टिव ने समझाया कि ल्यूटीन और जियाजेंथिन का हमारे जीवन के हर चरण में, हर स्टेज में बहुत ज्यादा महत्व है। यहाँ आपको बहुत सारे यहाँ चित्र दिख रहे हैं, लिखा हुआ अगर आप छोड़ भी दें तो सबसे पहले एक महिला का चित्र दिख रहा है जो गर्भवती है और उसके पेट में बच्चा है। उसके बाद जो चित्र दिख रहा है वो एक नवजात शिशु का है जो अभी जन्म लिया है, इसलिए कपड़ों में लपेटा हुआ है, और ये छोटा सा बच्चा है बेचारा, चड्डी पहन के घूम रहा है। फिर ये बच्चा है थोड़ा बड़ा हो गया है, ये थोड़ा स्कूल जाने वाला बच्चा हो गया है,
ये आपकी स्कूल कॉलेज जाने वाली बिटिया या बेटा है, ये आप स्वयं हैं जिसका मतलब 30-40 वर्ष की उम्र है, और अगर आप थोड़ा सा उम्र बढ़ गया है तो आप इस श्रेणी में। ये स्लाइड हमें ये बता रही है कि ल्यूटीन्स या ज़ैंथिन जो आपके न्यूट्रीचार्ज व्यू में है, ये हमारे को जीवन के हर चरण में, हर स्टेज में हमारे लिए आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। पैदा हुए बच्चे के मस्तिष्क और आंखों के निर्माण के लिए, नवजात शिशु के भी ब्रेन और आंखों के निर्माण के लिए, छोटे बच्चे के आंखों में दरअसल अभी ल्यूटीन ज़ियाज़ैंथिन इकट्ठे हुए नहीं होते, इसलिए उनको मोबाइल फोन बहुत क्षति करता है। लेकिन आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे आज मोबाइल फोन से खेल रहे हैं, बहुत घातक है। और स्कूल जाने वाले बच्चे तो मोबाइल फोन जिम में डाले बिना जाते ही नहीं, और बाकी सबका तो छोड़ ही दीजिए साहब, आज तो बड़े बुजुर्ग भी बिना मोबाइल फोन के 2 मिनट रहते हैं। इन सब की आंखों को बचाने के लिए और इन सब के लिए बहुत सारे फायदों के लिए आपको ये कैरेटिनाइड यानी ल्यूटीन और ज़ियाज़ैंथिन की आवश्यकता पड़ती है। अब मैं आता हूं उस बात पे जिस पे आज का सेशन है, हार्मफुल ब्लू रेज, जो मैंने आपको पहले ही समझा दी। ये स्लाइड हमें दिखा रही है कि हमारे जीवन में हर समय हम हार्मफुल ब्लू रेज के संपर्क में। आप देख सकते हैं छोटा सा बच्चा अपने फादर के साथ बैठ करके लैपटॉप पे काम कर रहा है, घर में बहुत सारा प्रकाश है, ये प्रकाश भी विभिन्न लाइटों से आया है और ये एलईडी लाइटें हैं, ये लाइटें भी ब्लू एनर्जी छोड़ रही हैं, ब्लू लाइट छोड़ रही हैं। ये जो बच्चा लैपटॉप देख रहा है और इसके फादर भी देख रहे हैं, ये दोनों ब्लू लाइट का सेवन कर रहे हैं। अगर ये बच्ची जो इधर बैठी है ये तेज प्रकाश के नीचे बैठी है तो इसको भी ब्लू लाइट मिल रही है, ये महिला इधर को आ रही है ये भी तेज प्रकाश के नीचे आ रही है, इसे भी ब्लू लाइट का सेवन हो रहा है। और ये लाइटें जो हैं हमारी विजुअल हेल्थ यानी हमारे आंखों के स्वास्थ्य के लिए घातक हैं, बहुत खराब हैं, और ये हमारे को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है, ऐसा ओमनी एक्टिव होता है। देखिए एक बात है, हम सबको पता है कि धूप में जाना है तो हमारे को अपनी त्वचा पे क्रीम लगाना है, सनस्क्रीन लगाना है, या हमारे को गॉगल्स पहनने, ये हम सबको पता है। लेकिन हम में से किसी को नहीं पता है, 2/3 लोगों को तो रिसर्च ने सिद्ध किया है ये नहीं पता है कि जब हम कंप्यूटर के सामने बैठते हैं, लैपटॉप के सामने बैठते हैं, मोबाइल के सामने बैठते हैं, और खासकर जब हम अंधेरे में इन स्क्रीन्स को देखते हैं, तो हमारी आंखों के लिए क्या सुरक्षा करनी है ये हम में से ज्यादातर लोगों को नहीं पता है। सो हम ये गलती करते जाते हैं और हमारी आंखों को क्षति होती जाती है। ये देखिए ये डायग्राम से आपको समझ पा रहे हैं कितना ज्यादा सोते उठते बैठते लेटते खेलते न्यूज पढ़ते दोस्तों से बातें करते अपने ऑफिस से जुड़े रहते, यही एकमात्र साधन है। और लॉकडाउन में जैसा कि हम ओमनी एक्टिव मीटिंग में भी डिस्कस कर रहे थे, ओमनी एक्टिव की डॉक्टर दिशानी भी बोल रही थी कि लॉकडाउन में क्या यह आदत घटी है कि बढ़ी है। लॉकडाउन में बाहरी दुनिया से संपर्क का एक ही रास्ता रह गया है और वो है स्मार्टफोन, और इसलिए ये आदत हमारी जरूरत से ज्यादा बढ़ गई, हम स्मार्टफोन्स पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए। ये देखिए साहब, तो ये स्लाइड हमें समझा रही है कि स्मार्टफोन के यूजर्स बढ़ गए। यहाँ जो अंग्रेजी में लिखा है मैं आपको अनुवादित बता देता हूँ कि स्मार्टफोन का उपयोग बढ़ गया है। मेरे ख्याल इसके लिए कोई विशेष हिंदी की जरूरत नहीं है, आप जिसको देखें उसके हाथ में स्मार्टफोन है। स्क्रीन टाइम यहाँ एक अंग्रेजी में शब्द लिखा है, यानी कि हम या तो टीवी देख रहे हैं, या हम मोबाइल देख रहे हैं, या हम कोई भी ऐसी चीज देख रहे हैं जिसकी कोई ना कोई स्क्रीन हमारी आंखों पे लाइट छोड़ रही है, यानी कि हमारा ब्लू लाइट का एक्सपोजर यानी कि हमारा ब्लू लाइट से सामना बढ़ता ही जा रहा है और हमारी आंखों का स्वास्थ्य घटता ही जा रहा है। ये दृश्य तो आपकी आंखों की नींदें उड़ा देगा। 2020 तक ऐसा बोला गया था कि लगभग विश्व में 90% घरों के अंदर जो लाइट है वो एलईडी और CFL लाइट में चेंज हो चुकी है, यानी कि जी आप भी अपने घर के अंदर जो आज आप बल्ब लगा रहे हैं वो पुराने बल्ब नहीं है, आज आप जो लाइटें लगा रहे हैं वो पुरानी लाइटें नहीं है, या तो वो CFL हैं या वो LED हैं। ये प्रकाश तो आपको बहुत अच्छा दे रहे हैं, आपको बहुत दूधिया और सफेद रोशनी दिखाई देती है, लेकिन सावधान, इस प्रकाश में छुपी हैं नीली किरणें, और वो नीली किरणें आपकी आंखों के रेटिना को जला दे रही हैं। ये बहुत जरूरी है। ये आप चित्र देखें यहाँ पे, वे ये ओमनी एक्टिव का चित्र है और ये उसने बहुत क्लियरली समझाया है कि मैं ये चित्र में समझा रहा हूँ। ये देखिए आपकी आंख है और ये जो रोशनी आपकी आंख पे गिरी उसमें अलग अलग रंगों की रोशनी है, जो मैंने बहुत सरल डायग्राम से समझाया था। जरा ओमनी एक्टिव का साइंटिफिक डायग्राम है, बात वही है कि ये जो लाल पीली दूसरे रंगों की किरणें हैं ये यहाँ तक आके रुक गई, कुछ तो बाहर से ही छिटक गई
कुछ कॉर्निया तक आ गई, इसके आगे नहीं जा पाई, लेकिन ये जो ब्लू लाइट है ये इतनी हाई एनर्जी लाइट है कि ये सीधी आंखों का पर्दा तक पहुंच गई, और ये आपका रेटिना है पीछे का आंखों का पर्दा, और ये छोटा सा भाग आपका मैक्यूला है, और ये यहाँ पहुंच चुकी है, और ओमनिया के हमें बोलता है कि हाई एनर्जी लाइट है और ये आपकी आंखों में गहरे तक घुस जाती है। और ओमनिया एक्टिव दुनिया की नंबर वन कंपनी है, न्यूट्रीचार्ज यू को भी नंबर वन बनाना है, लेकिन ये बात समझने से ही कर पाएंगे। आगे बढ़िए, दूसरी बात, जब हम कंप्यूटर देखते हैं, जब हम मोबाइल देखते हैं, तो उसमें एक सम लाइट नहीं आती, हम नहीं पकड़ पाते, लेकिन आप ये डायग्राम से देखेंगे कि कभी वो बहुत तेज रोशनी छोड़ता है, फिर थोड़ा कम होता है, फिर थोड़ी तेज छोड़ता है, फिर थोड़ा कम होता है, यानी थोड़ी थोड़ी देर में हमारी आंखों के रेटिना को, ये जो इतनी तेज उसने हाई एनर्जी उसने स्पाइक छोड़ी, इसने सीधा आपकी रेटिना पे अटैक किया। ये जो दूसरी स्पाइक छोड़ी, इसने भी सीधा आपके रेटिना पे अटैक किया। जैसे बॉर्डर पे आप जाएं तो किसी देश का नाम लिए बिना मैं ये कहूंगा कि वहां अक्सर गोलियां चलती रहती हैं, लोग सावधान रहते हैं कि भाई बॉर्डर पे गए तो ये गोली आई, और वो छुप के दब के या खंदक में छुपे रहेंगे या नीचे झुक के जाएंगे, बॉर्डर पे नहीं जाना भाई, गोली चलती। लेकिन ये आपकी आंखों का बॉर्डर है और ये आपका मोबाइल बीच बीच में उसमें गोलियां दाग रहा है और आपको कुछ भी जानकारी नहीं है, आपका टीवी भी जानकार है गोलियां दाग रहा है और उसमें जानकारी नहीं है, और ये आपकी आंखों तक ये जो गोलियां चल रही हैं ये आपकी आंखों को गंभीर क्षति पहुंचा रही हैं और ये जानकारी आप तक नहीं है, ये दुर्भाग्य की बात है। और ये जानकारी के अभाव में आंखों को क्षति कंटिन्यू होती जा रही है। ये देखिए, ये दो डायग्राम आपको दिख रहे हैं, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बहुत सरलता से समझा दूंगा। ये जो लेफ्ट हैंड में दिख रहा है ये शॉर्ट टर्म में क्या होगा अगर मेरी आंखों में ब्लू लाइट गिरेगी, और ये जो राइट हैंड में दिख रहा है ये लॉन्ग टर्म में क्या होगा जब मेरी आंखों में ब्लू लाइट गिरेगी। शॉर्ट टर्म में अगर मेरी आंखों में ब्लू लाइट गिरी तो मेरी आंखों पे दबाव पड़ेगा, आई स्ट्रेन होगा। लॉन्ग टर्म में अगर मेरी आंखों पे ब्लू लाइट गिरती रही तो यहाँ अंग्रेजी में लिखा है प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ विजुअल फंक्शन, जिसका हिंदी होता है आंखों की रोशनी का परमानेंट लॉस। धीरे धीरे ये लॉस बढ़ रहा है, आपको शायद समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आपके ऑप्टिशियन को बहुत अच्छे से समझ में आता है। जब भी आप जाते हैं आपके चश्मे का नंबर बदल जाता है, जब भी आप जाते हैं वो कहते हैं बधाई हो, पिछली बार एक था अब डेढ़ हो गया, डेढ़ से दो हो जाता है, दो से तीन हो जाता है, पिछली बार आप गए तो केवल पास का नहीं दिखता था, अब दूर का भी साफ नहीं दिखता। ये मेरे साथ भी बहुत हुआ, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश तब मेरे पास न्यूट्रीचार्ज व्यू नहीं था, इसलिए देर तक, लंबी देर तक, पिछले 20 वर्ष से मैं मोबाइल फोन का उपयोग कर रहा हूँ, पिछले 15 वर्ष से मैं स्मार्टफोन का उपयोग कर रहा हूँ, लेकिन न्यूट्रीचार्ज व्यू तब नहीं था। सौभाग्य से न्यूट्रीचार्ज व्यू आज है, तो ना थोड़ी देर के लिए ना लंबी देर के लिए आप अपने किसी भी ऐसे डिवाइस का जिससे रोशनी निकलती है, आप ये भूल जाइए कि वो किस रंग की निकलती है, वो जिस भी रंग की निकल रही है उसमें नीली किरणें हैं, अगर आप थोड़ी देर के लिए उसको झेलते हैं तो आपकी आंखें थक जाती हैं। ड्राई आईज आज इतनी कॉमन है कि करोड़ों रुपए की नकली आंसू बिक रहे हैं साहब। हम जब छोटे थे तो असली आंसू इतने भाते थे कि माँ बाप दुखी रहते थे कि मारा और रो दिया, मारा और रो दिया, लेकिन आज असली आंसू है ही नहीं आंखों में, सूख चुकी हैं, क्योंकि वो आंसू सारे मोबाइल फोन ने सुखा दिए, और उस वजह से आपकी आंखें जल्दी लाल होती हैं, जल्दी थक जाते हैं, सिर दर्द होता है, नींद भी ठीक से नहीं आती, और अगर आप देर तक ये झेलते रहे तो आपकी आंखों की विजन परमानेंटली लॉस होने वाली है, इसके लिए आप तैयारी कर लीजिए। डॉक्टर कपूर, कैन आई इंटरवीन? यस। जो पीपीटी आप स्क्रीन पर दिखा रहे हैं दैट्स इन इंग्लिश, मेरे पास जो आया है वो हिंदी में लिखा हुआ है। जी, मैं चाहता था कि वही दिखाऊं, आप कहें तो मैं कैन आई जस्ट शेयर दैट स्क्रीन? श्योर श्योर, मैं इसको स्टॉप करूं क्या? या यस 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 जी। Yes, sir. Now you'll have to keep telling when to move ahead. We were on this slide. इस स्लाइड में थे। मैं थोड़ा सा पीछे जाके फिर से दिखा दूं। एक क्षण लूंगा बस। मैम थोड़ा सा पीछे लेंगे, एक दो स्लाइड, दो पांच स्लाइड, थोड़ा सा पीछे चलिए, थोड़ा सा। ये देखिए, यहाँ रुक जाइए। ये ओमनी एक्टिव की सबसे महत्वपूर्ण स्लाइड है। ये आप देख रहे हैं कि ओमनी एक्टिव ने इंग्लिश में क्या लिखा, वही हमने हिंदी में इसका अनुवाद किया है कि ब्लू लाइट जो है हानिकारक, वो हाई एनर्जी ब्लू लाइट आंखों में गहराई तक घुस रही है। ये ओमनी एक्टिव ने अंग्रेजी में लिखा। ये कम वेवलेंथ की होती है और ये सबसे ज्यादा हानिकारक है, बिना रोक टोक अंदर जा रही है, इसको केवल आप रोक सकते हैं। अगर आपने न्यूट्रीचार्ज व्यू खा लिया तो यहाँ एक पहरेदार खड़ा हो जाएगा जो इसको आंखों में इसके अंदर जाने नहीं देगा। चलिए आगे बढ़ाइए मैम, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सॉरी मैं आपको तंग कर रहा हूं। ये देखिए,
इलेक्ट्रॉनिक सामान अब आप क्लियरली पढ़ सकते हैं कि जो ओमनी एक्टिव ने हमें इंग्लिश में बोला हुआ या हिंदी में लिखा है, और एलईडी लाइट से निकलने वाली ब्लू लाइट में सर अत्यंत तेज उछाल, ये स्पाइक्स हैं, ये हमारी आंखों के रेटिना में दगती हुई गोलियां हैं। देखने में एलईडी लाइट से निकलती रोशनी सफेद है, लेकिन ये दरअसल बहुत हाई एनर्जी है, इसमें ब्लू लाइट का बहुत बड़ा भाग है और ये आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी का कारण है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यानी आपकी आंखों पे गोलियां चल रही हैं और यही बात हम यहीं पे थे, अगर ये कम देर तक आपने ये ब्लू लाइट संपर्क आपकी आंखों का हुआ, इसका दुष्प्रभाव ये रहेगा कि आपकी आंखों में सूखापन यानी ड्राई आईज, जिसकी वजह से लोग नकली आंसू आंखों में डाल रहे हैं, धुंधलापन, आंखें थकेंगी और इस तनाव से आपको नींद भी कम होगी और आप दरअसल ये आपके ब्रेन को भी इफेक्ट करता है और आपकी चिंता बढ़ जाएगी और ये आंखों की साफ साफ देख पाने की क्षमता में निरंतर और काफी कमी आपकी आती जाएगी। तो ये आपको सोचना है कि क्या आप मोबाइल फोन को छोड़ सकते हैं, क्या आप तेज धूप से बच सकते हैं, क्या आप घर में तेज लाइटों की ना जलाए बिना आप रह सकते हैं, क्या आप बहुत देर तक टीवी देखने से बच सकते हैं, अगर नहीं तो आपको ये चिंता करनी चाहिए, ये आप ही की आंखें हैं। चलिए मैम नेक्स्ट। ये देखिए सर, यानी हमारी आंखों पे, ये आप आंखें देख लीजिए, मान लीजिए ये आपका बॉर्डर है और यहाँ रोज गोलियां चल रही हैं, धड़ाधड़ चल रही हैं, आपको दिख नहीं रही हैं, पर ये गोलियां आपकी आंखों के रेटिना में चल रही हैं और ये ब्लू लाइट का रोजाना आक्रमण हो रहा है। देखिए दुश्मन देश ने तो एक या दो दिन आपसे झगड़ा किया और आप इतने अलर्ट हो गए और यहाँ आपकी आंखों पर ये दुश्मन रोशनी रोज अटैक कर रही है और आपकी आंखों के पास कोई फाइटर प्लेन भी नहीं है जो इनको उड़ा दे, आप ही के पास एक फाइटर प्लेन है जिसका नाम न्यूट्रीजल व्यू है, जो इस आती हुई गोलियों को थाम सकता है। हानिकारक ब्लू लाइट को फिल्टर करने की क्षमता दुनिया में केवल दो एंटीऑक्सीडेंट्स में है और उनका नाम है ल्यूटीन और जियाजेंथिन। अगर मैं न्यूट्रीचार्ज भी आपको दूसरे एंटीऑक्सीडेंट बता रहा है, लेकिन आंखों में प्रवेश की इजाजत सिर्फ ल्यूटीन और जियाजेंथिन को है, अन्य एंटीऑक्सीडेंट्स को इतनी ज्यादा नहीं है जितनी इनको है, इसलिए ये ही वहां के राजा हैं, यही आपको हानिकारक ब्लू लाइट को फिल्टर करके बचाते हैं। एक और बात, केवल मोबाइल की लाइट ही से न्यूट्रीचार्ज व्यू आपको नहीं बचाता है, आंखों में किसी भी कारण से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी फ्री रेडिकल से होने वाली क्षति है, उससे भी डॉक्टर देशानी ने हमारे को ओमनी एक्टिव की प्रेजेंटेशन आप स्वयं देखें ना देखें, जो लोग इंग्लिश समझते हैं उन्हें जरूर दिखाएं, क्योंकि ग्लोबल कंपनी बोल रही है, वो हम आपको बात यहाँ सरलता से समझा रहे हैं कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आंखों में किसी भी कारण से फ्री रेडिकल क्षति है, तो वो ये उसको दूर करते हैं। नेक्स्ट लेंगे मैम। ये देखिए सर, शॉर्ट टर्म में ब्लू लाइट का एक्सपोजर आपकी आंखों को, अब ये ओमनी एक्टिव अंग्रेजी में लिखी हुई स्लाइड है पर आपको वही बात मैं आपको हिंदी में दिखाऊंगा। ब्लू लाइट का एक्सपोजर डिजिटल स्क्रीन से आई स्ट्रेन फटीग कर रहा है, देर तक लेते हैं तो एक्सपोजर लेने से ग्रेजुअली आपकी आंखों की परमानेंट विजन लॉस हो रहा है, ये रिवर्सिबल नहीं है। जी हाँ, ये रिवर्सिबल नहीं है, अभी से आप प्रिकॉशन लेंगे तो बढ़िया रहेगा। और ये गुड न्यूज ये है कि ये आप बच सकते हैं इससे। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और ये क्लिनिकल रिसर्च जो ल्यूटीमैक्स ने हमें दी है उसके मैं आपको 5 मिनट में समझा देता हूं। ये बहुत सारा साइंस लिखा है और ये मैंने आपके लिए उसका बहुत सरल हिंदी अनुवाद कर दिया है। ये क्लिनिकल रिसर्च ने प्रमाण दिए हैं, पहला प्रमाण, ये साइंस जो समझ सकते हैं मैं उनको भी समझा दूंगा, हम ऐसे सेशंस और करेंगे जितना आप समय चाहेंगे हम देंगे, लेकिन यहाँ आप सरलता से समझ लीजिए, ये बहुत सारी क्लिनिकल रिसर्च ने केवल ल्यूटामैक्स ने सिद्ध किया है कि आंखों की थकान घट जाती है, आंखों में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस घट जाता है, आपकी दृष्टि में सुधार आती है, आपके रेटिना की बाहरी परत की मोटाई बढ़ जाती है, आपके रेटिना के अंदर जो मैक्यूला है उसकी थिकनेस भी बढ़ जाती है, आंखों के रेटिना में असामान्य रक्त धमनियों का निर्माण भी रुकता है। जी हाँ, अगर आप डायबिटिक हैं फिर तो आपको न्यूट्रीचार्ज यू कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो आप आंखों से हाथ धो बैठेंगे। डायबिटीज से आंखों की रक्षा करता है, तेज धूप या चमक पड़ने पर जो लोगों को कुछ देर तक साफ नहीं दिखता, अगर आप न्यूट्रीचार्ज यू खाएंगे तो दिखेगा, कम रोशनी में भी साफ दिखेगा, ये सारा साइंस से सिद्ध है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये देखिए साहब, एक और नेक्स्ट स्लाइड है मैडम, क्या पलट के देखिए, ये देखिए वही स्लाइड, अब आप हिंदी में पढ़िए।
ये ल्यूटामैक्स की रिसर्च, अगर ये स्लाइड आप समझ गए तो आज के बाद न्यूट्रीचार्ज व्यू बेचने में आपका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, क्योंकि ये ल्यूटामैक्स की ग्लोबल रिसर्च है। आपके आंखों में रॉड्स और कोन्स नाम की सेल्स हैं। आपके बच्चे की आठवीं की बायोलॉजी की किताब में हम पढ़ते थे कि रॉड्स और कोन्स होती हैं, अगर वो ठीक है तो हमारी आंखें देख सकती हैं। ल्यूटामैक्स 2020 ने उनकी क्षति घटा दी। आपकी आंखों का रेटिनोग्राम ये बताता है कि आंखों में रोशनी पड़ने पे उनमें कितना दम है रेटिना में, वो कितनी साफ फोटो बनाता है, वो क्षमता बढ़ा दी। आपकी आंखों में फ्री रेडिकल्स की मात्रा नाप ली ल्यूटामैक्स ने। न्यूट्रीचार्ज यू खाएंगे तो आंखों में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी फ्री रेडिकल्स की क्षति घट जाएगी। आपकी रेटिना की परत की मोटाई माप ली साहब ल्यूटामैक्स ने। अगर आप न्यूट्रीचार्ज यू खाएंगे तो आपकी रेटिना की बाहरी परत थोड़ी थिक हो जाएगी, यानी आपकी दृष्टि क्षमता बढ़ जाएगी। ब्लू लाइट में भी आपकी आंखों की देखने की क्षमता बरकरार रहेगी। दुर्भाग्यवश अगर आपके घर में डायबिटीज है तो आपकी आंखों को मल्टीपल एक अटैक और जुड़ गया, लेकिन अगर आप न्यूट्रीचार्ज व्यू खा रहे हैं तो ये सारे फायदे आपको मिलेंगे, फायदों की टोकरी मिलेगी और आप बचे रहेंगे। आंखें बचा लीजिए साहब, क्योंकि आंखें हैं तो दुनिया रंगीन है, आंखें नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मैडम डू वी हैव एनी अदर स्लाइड लेफ्ट, जस्ट चेक प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। ये वही स्लाइड इंग्लिश में है, चलिए नेक्स्ट। ये देखिए, क्या न्यूट्रीचार्ज व्यू सिर्फ आंखों के लिए मजे करता है? न्यूट्रीचार्ज व्यू के बहुत सारे फायदे हैं जो हमने तो कभी नहीं बताए, लेकिन ल्यूटामैक्स बताने से नहीं चूका। आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ बढ़ेगी, आपको जो देर तक होने वाले रोग हैं, क्योंकि भूलिए मत ल्यूटीन, ज़ियाक्सेंथिन एंटीऑक्सीडेंट भी हैं। आंखों के लिए भी उनको एंट्री अलाउड है, लेकिन बाकी शरीर में मना थोड़ी है। तो सारे शरीर की मेटाबॉलिक हेल्थ बढ़ा देंगे, आपको वेट कंट्रोल में मदद करेंगे, एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी पूरी बॉडी की बढ़ जाएगी, आपकी धमनियों का एंडोथेलियल यानी धमनियों के अंदर जो जमाव होता है वो घट जाएगा, पूरे शरीर में रक्त धमनियां साफ हो जाएंगी, शरीर में फ्री रेडिकल का दबाव घट जाएगा, और आपके शरीर पे न्यूट्रीचार्ज यू कोई दुष्प्रभाव नहीं डालता, ना किडनी पे ना लीवर पे। जम के खाइए साहब, लेकिन एक ही कैप्सूल रोज खाना है। अभी एडल्ट्स के लिए हम प्रमोट कर रहे हैं, हम रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे इसको जल्दी छोटी उम्र में लाएं, 14 साल के बाद शायद आप इसको ले सकते हैं एक कैप्सूल। नेक्स्ट प्लीज, एनी स्लाइड लेफ्ट मैडम, नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए इसके एक एक मैडम सिर्फ झलक दिखला दीजिए पिछली स्लाइड का। ये देखिए इतना रिसर्च है ल्यूटामैक्स के पास कि हम ये स्लाइड लेकर के हम पूरा दिन डिस्कस कर सकते हैं। इतना ही जान लीजिए कि आपकी आंखों के अलावा स्किन को भी ये बेनिफिट करता है, आपके हृदय को बेनिफिट करता है, आपके ब्रेन को बेनिफिट करता है। बस चलिए मैडम नेक्स्ट। और ये वो डॉक्टर हैं, विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर श्रृंगम हैं, इनके लेख पूरी दुनिया के सबसे बेहतरीन जर्नल्स में छपे हैं, और इन्होंने केवल एक ब्रांड पे रिसर्च की है, वो ल्यूटामैक्स है यानी न्यूट्रीचार्ज व्यू पे रिसर्च की है। नेक्स्ट प्लीज। और ल्यूटामैक्स आपको बेहतर मैक्यूलर कैरोटीनॉइड्स देता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वर्ल्ड क्लास है, और ब्लू लाइट में भी आंखों को देखने की क्षमता बढ़ाने के लिए आप अवार्ड देखिए मैडम, सिर्फ स्लाइड दिखाइए, यूं समझ लीजिए न्यूट्रीचार्ज व्यू यानी आरसीएम को कितने अवार्ड मिले हैं। न्यूट्री अवार्ड 2018, बेस्ट प्रैक्टिसेस अवार्ड 2017, नेक्स्ट न्यूट्रास्यूटिकल बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी अवार्ड 2011, नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स एंड इनोवेशन का 2013 का इंग्रेडिया अवार्ड, 2011 का बेस्ट प्रैक्टिसेस ग्लोबल आई हेल्थ अवार्ड। और ये एसोसिएशन ल्यूटामैक्स ने न्यूट्रीचार्ज से क्यों की, वो केवल एक कारण था कि न्यूट्रीचार्ज ही दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी के साथ ये प्रोडक्ट बना रहा था और आपको ले दे रहा है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, वी विल टेक लीव बिकॉज वहां पर दूसरा सेशन शुरू होने वाला है। सो थैंक यू, आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके जवाब हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe our channel.